सो गाइज बेहद डरावना होने वाला है अजय देवगन की मूवी शैतान का ट्रेलर। जंगा तो फाइनली तौर पर आप लोगों ने मालूम है कि धमाकेदार जो कि शैतान का टीजर देख ही लिया एंड कुछ भी रिवील नहीं किया गया। लेकिन गाइज उस टीजर को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट होगा या फिर ट्रेलर होगा इतना खतरनाक लेवल पर काट के डाला जाएगा यूट्यूब पर एंड सोशल मीडिया पर, जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जगह तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि ट्रेलर की बात कर तो लगभग 22 फरवरी तक इस मूवी का दो की धमाकेदार ट्रेलर है वो हमें आता हुआ नजर आएगा। एंड गाइज ट्रेलर की बात करें तो वो बहुत ही खतरनाक लेवल पर यानी कि डरावनेपन की झलक देखने को मिलेगी एंड पूरी तरह से एक तांत्रिक के तरह से, जैसे कि आप लोग ब्लैक मैजिक के तरीके से इस मूवी का जो होगा कॉन्सेप्ट होगा बहुत ही खतरनाक लेवल पर होगा। जहाँ तो रिसेंटली आप लोगों को मालूम है कि अजय देवगन फिर अपनी फिल्म शैतान का प्रमोशन भी शुरू कर चुके हैं एंड शैतान मूवी 8 मार्च को रिलीज होती है, नजर आई महाशिवरात्रि के अवसर पर। एंड गाइज ट्रेलर की बात करें तो बहुत ही बेहद डरावना, बहुत ही खतरनाक होगा। एंड अजय देवगन की एक साल की बाद एक मूवी आ रही है जिस मूवी का नाम है शैतान। जगह तो लास्ट मूवी उनकी रिसेंटली भोला मूवी रिलीज हुई थी एंड उसके सीधे डायरेक्ट बाद ही अजय देवगन अपनी मूवी शैतान को लेकर आ रहे हैं। ये मूवी पूरी तरह से प्रॉपर हिट सुपर हिट होने का टैग भी हासिल करके जाएगी, क्योंकि गाइज अजय देवगन के फैंस इस मूवी को देखने के लिए बेहद ही ज़्यादा उत्सुक है। एंड गाइज बहुत ही समय बाद एक हॉरर मूवी आने जा रही है वो भी इस बड़े पर्दे पर। जगह तो अक्षय कुमार भी देखने दिलचस्प होगा अब लाएंगे या फिर नहीं, लेकिन गाइज अजय देवगन की बात कर तो हॉरर फिल्म में उनको देखना बहुत ही लाजवाब होगा एंड बहुत ही खतरनाक लेवल पर होगा। जहाँ तो आर माधवन भी इस मूवी में बहुत ही खतरनाक तरीके की एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे एंड देखना दिलचस्प होगा अब ये मूवी वाकई में रिकॉर्ड तोड़ती है या फिर नहीं तोड़ती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों जब ये मूवी आएगा या फिर ट्रेलर आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा एंड रिकॉर्ड पे बॉक्स पर तोड़ेगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलती नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय-बाय।